ब्लॉगर डॉट कॉम से एक वेबसाइट बनाते हैं। ब्लॉगर कर लिए? हाँ ब्लॉगर कर रहे हैं। आपने नहीं किया, आपने कर लिया ब्लॉगर, तो एक काम करते हैं, ब्लॉगर आपने क्या क्या किस नाम से बनाया है ब्लॉगर डॉट कॉम? एम क्लॉथिंग के नाम ब्लॉगर पे आपने वेबसाइट बना ली, पेजेस बनाए उसके अंदर? दो बनाए थे, कॉन्टेक्ट अस और अबाउट अस। चले मैं इनको थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ फिर मैं आता हूँ। ब्लॉगर डॉट कॉम, ये है ब्लॉगर डॉट कॉम। ये गूगल का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एक फ्री में डोमेन देता है, होस्टिंग देता है, आप इसके ऊपर अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। ये आपने अगर कोई ब्लॉग बनाया हुआ हो तो वो ब्लॉग यहाँ शो हो रहा होगा व्यू ब्लॉग के अंदर, ठीक है। व्यू ब्लॉग के ऑप्शन में आपका ब्लॉग इस तरीके से शो हो रहा होता है अगर आपने बनाया हुआ है तो, और अगर आपने नहीं बनाया हुआ है तो इधर आप जाएंगे, देख लीजिएगा, यहाँ जाने के बाद ये ऑप्शन नज़र आ रहा है न्यू ब्लॉग, ठीक है। न्यू ब्लॉग में जाना है आपने, और यहाँ जाके आपने टाइटल देना है, अपने ब्लॉग का टाइटल लिखना है। अब आपके ब्लॉग का टाइटल क्या है, लेट सपोज आप क्या काम करना चाह रहे थे, आप बताइए क्या काम करना चाह रहे थे आप? शवरमा का काम करना चाह रहे थे, तो मैं नाम तो सोचा था ना आपने, कराची शवरमा, ठीक है, कराची शवरमा, ठीक है। लेट सपोज एक हमने छोटा सा नाम दे दिया कराची शवरमा, नेक्स्ट कर दिया। यहाँ से ये पूछ रहा है डोमेन नेम, अब ये डोमेन नेम आपको देगा लेकिन .blogspot.com इसका अपना आता है, ठीक है। अब मैंने लेट सपोज हमने बोला भाई नाम दे दें हमें कराची शवरमा, तो अब चेक करें नाम क्या अवेलेबल है, नहीं है। द ब्लॉग एड्रेस इज अवेलेबल, जी अवेलेबल है, लेकिन शवरमा ये मैं नहीं ले रहा, ये आप अपनी आईडी से लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, क्योंकि आपने नाम सोचा ही, तो मैं इसको काम में रखता हूँ 11 ऐसी कुछ कर देता हूँ, ठीक है। आप अपनी आईडी से पूरा एक डोमेन ले लीजिएगा और इसको सेव कर लीजिएगा। जैसे आप सेव करेंगे तो क्या होगा, आपको ये एक ब्लॉग छोटा सा बना के दे देगा। व्यू ब्लॉग में जाएंगे आप, ये एक इसने थीम दे दी जो हमें थीम बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, ठीक है। हम सबसे पहले थीम चेंज करेंगे, थीम चेंज करने के लिए आपने ये थीम के ऑप्शन में जाना है, ठीक है। थीम के ऑप्शन में जैसे ही आप जाएंगे और कस्टमाइज में चले जाइएगा, अच्छा सॉरी, नीचे बहुत अच्छी अच्छी थीम्स आ रही हैं, आपको जो भी थीम अच्छी लगती है वो ले लीजिए। ये थीम ऐसी है जो ई कॉमर्स के लिहाज से, तो मैं ये थीम ले लेता हूँ, जैसे इनका खाने पीने का काम भी दे सकता हूँ। जानेमाज इधर नहीं है सर, हाँ यहाँ पे नहीं है जानेमाज, वहाँ पे लेकिन चेयर पे रखी हुई नहीं है ना सर, कासिम से पूछ नहीं जाने। अच्छा ये थीम अच्छी लग रही, मैंने अप्लाई कर दिया इसको। जैसे ही मैंने अप्लाई किया, आपके पास लैपटॉप है? घर पे भी नहीं है, नेक्स्ट क्लास से ला सकते हैं? कहाँ से आता है? अच्छा अच्छा बाइक का, सिस्टम ये नहीं है, ये यहाँ पे अपना लैपटॉप खुद लाते हैं बच्चे, हाँ चलें, अगर कोई मसला नहीं है आप देख लीजिएगा इनके साथ में। अच्छा कस्टमाइज में जाएंगे, देखिए ये थीम मैंने सेलेक्ट कर ली, ठीक है। अब इस थीम पे अप्लाई भी कर लिया मैंने, अप्लाई करने के बाद आपने सिंपल एक काम ये करना है, एक पोज डालना है, क्या डालनी है, एक पोज डालनी है, एक शॉर्मा की पोज डाल देता हूँ, तो पेट बंद कर लिया बंद कर दिया। हमें पोज डालने के लिए एक पिक्चर लेनी है, तो तीन जगह से आप इमेजेस उठा सकते हैं जिसपे कॉपीराइट्स नहीं हो, लिख लें। एक pexels.com है, pexels.com, नंबर टू है pixabay.com, pixabay.com, और नंबर थ्री है आपके पास freepic.com। तो अभी मैं freepic से एक शॉर्मा की तस्वीर, पता नहीं वो लोग शॉर्मा खाते हैं बार बार नहीं, शॉर्मा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, अरेबिक है शॉर्मा, शॉर्मा स्पेलिंग सही लिखी है, हाँ बिल्कुल सही लिखी है। अब यहाँ से शॉर्मा उठा लेते हैं हम कोई भी, ये रहा शॉर्मा, डाउनलोड कर लेते हैं और यहाँ से फ्री डाउनलोड, इसके ऊपर कोई कॉपीराइट्स नहीं है, इसके पिक्सल्स भी सही होते हैं,
ये रहा शोरमा के नाम से, साइड व्यू और शोरमा, ठीक है। अब एक पोस्ट डालता हूँ यहाँ से, न्यू पोस्ट। तो ये टाइटल है अपनी पोस्ट का, टाइटल है कि लेट सपोज आपने कोई भी चिकन शोरमा लिख दिया या जो भी शोरमे का नाम है, चिकन शोरमा सेल, स्पेलिंग देख लीजिएगा, रुपीज़ 200, आपने इस तरीके की एक हेडिंग डाल दी। यहाँ पर भी इसको कॉपी करा, यहाँ पर आपने ये पैराग्राफ आ रहा है आपने इसको हेडिंग करना है। एसईओ के लिए आपने कम से कम 6 हेडिंग देनी पड़ती है। कितनी देनी पड़ती है? 6 हेडिंग। एक हेडिंग दे दें, बाकी सब हेडिंग दे दिया करें। अब यहाँ पर कुछ डिटेल लिख लें शोरमा की, कि टेस्टी शोरमा अवेलेबल इन गुड प्राइस। अब यहाँ पर आपने जाना है और एक पिक्चर लगानी है, वही वाली पिक्चर जो मैंने अपलोड की थी। तो अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर करते हैं। और अभी एडवर्टाइजिंग के लिए काम करते जी, ब्लॉगर पे हम एसईओ करते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए काम। यहाँ जितनी हमारी वेबसाइट, जो हमारी ओरिजिनल वेबसाइट होती है ना, इसके लिंक्स यहाँ शेयर कर सकते हैं, तो इससे हमें लिंक बिल्डिंग मिलती है, जिसको ऑफ पेज एसईओ कहते हैं। इधर आ गए, इधर आने के बाद अब डाउनलोड में चले गए और शोरमा, ये रहा शोरमा। और सिलेक्ट कर लिया, ये आ गया हमारा सिंपल, सिंपल आ गया। हमने पब्लिश कर दिया यहाँ से और कंफर्म कर दिया। और अब मैं अपना ब्लॉग चेक करता हूँ कैसा लग रहा है। तो व्यू ब्लॉग में जाऊँगा, ये मेरा नाम मिला हुआ है, ये रहा। लेट सपोज ये मुझे बाय करना है, मैंने इस पोस्ट को खोला, तो पूरी डिटेल आ रही है यहाँ पे। अपना व्हाट्सएप नंबर वगैरह भी डाल सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ है कि यहाँ पेजेस नहीं आ रहे, वेबसाइट तो बन गई लेकिन क्या नहीं आ रहे, पेजेस नहीं आ रहे। तो पेजेस बनाने के लिए मैं कहाँ जाऊँगा, ये पेजेस का ऑप्शन है, यहाँ पे चला जाऊँगा। तो पेजेस में जाऊँगा और दो पेज बनाता हूँ जो ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं, एक अबाउट अस और एक कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। तो न्यू पेज में जाता हूँ, एक पेज बनाऊँगा अबाउट अस का। और ये एक तरीके से वेबसाइट भी बन रही है, एक तो एसईओ के लिए भी काम आ रही है, दूसरी बात वेबसाइट, और जो कि फ्री, इसकी कोई डोमेन नहीं है, कोई होस्टिंग नहीं है, लेकिन ये चलती बहुत अच्छी है। इसके ऊपर अनलिमिटेड ट्रैफिक ला सकते हैं क्योंकि ये है गूगल वालों की, गूगल इसको पेश कर रहा है। अच्छा, इधर अबाउट अस का आपने डाला, अबाउट अस डालने के बाद यहाँ पर अपने बारे में कुछ लिख लें। अब आप अपने बारे में क्या लिखेंगे, कोई कॉन्टेंट चाहिए, तो जब आपको कॉन्टेंट समझ में नहीं आए कहाँ से आए, तो चैट जीपीटी की मदद ले लें। मैंने आपको उस दिन भी बताया था, चैट जीपीटी से मदद लें। ये रहा चैट जीपीटी पे, एक जब पहली बार लॉगिन होगी तो साइन अप मांगेगा आपसे। मैंने किया हुआ है लॉगिन, तो मैं शावरमा ले देता हूँ, सॉरी अबाउट अस ऑफ फूड कंपनी लिख देता हूँ, कि कोई फूड कंपनी है उसका अबाउट अस चाहिए, ये पूरा अबाउट अस दे देगा। अब मैंने एज इट इज़ कॉपी किया, मैंने जाना है फ्री आर्टिकल स्पिनर पे, क्योंकि हमें उसका नहीं चाहिए होता है, क्योंकि कॉपीराइट्स आ जाते हैं। तो फ्री आर्टिकल स्पिनर .com पे चले जाएंगे आप। ये क्या करता है, आपके आर्टिकल को घुमा देता है, कॉपीराइट्स नहीं आते हैं। यहाँ पेस्ट कर दिया, और बेसिक है, बेसिक करेंगे, एडवांस करेंगे तो बहुत मुश्किल होगा, बेसिक कर लें। इसको भी थोड़ा सा चेंज कर लिया करें अपनी वर्डिंग में, एकदम टिकटॉक कॉपी नहीं किया करें, थोड़ा सा आप अपनी वर्डिंग में भी चेंज कर लिया करें। अब मैंने कहाँ पे बनाना है भाई, यहाँ पे लिखना है। आप अपना नंबर देना चाह रहे हैं कि अपनी कंपनी का क्या नंबर है, यहाँ पर विजिटिंग कार्ड भी अपना डाल सकते हैं आप, जो आपका कार्ड बना हुआ कार्ड भी डाल सकते हैं। लेट सपोज आप यहाँ से पब्लिश कर देते हैं, अब कर, ये एक पेज बन गया हमारा। दूसरा पेज बनाते हैं, न्यू पेज में जाके कॉन्टैक्ट अस, यहाँ पे कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, यहाँ पे फिर बन गए और ये हेडिंग हो गई, ठीक है। अब भाई आपका जो नाम है, टेलीफोन नंबर है, ये सारी चीज़ें आप दे सकते हैं, ठीक है ना। आप बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कॉन्टैक्ट अस के फॉर्म्स भी होते हैं, वो भी इधर अपलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर नेम डाल देता हूँ, आपका नाम क्या है, लेट सपोज शहजाद नाम है। यहाँ पे आपका सेल नंबर आ गया, व्हाट्सएप नंबर, कुछ भी आप व्हाट्सएप नंबर दे दें और अभी पब्लिश कर दें, कन्फर्म। ये दो पेज बना लिए, आप इसको जितना खूबसूरत बनाना चाहें इसको बना सकते हैं। अभी भी ये पेज नज़र नहीं आएंगे, पेज नज़र आने के लिए ले आउट में जाना है। कहाँ जाना है आपने, ले आउट में जाना है। ले आउट में जाने के बाद एड आ गया।